मैं इस घर में रहूं, मुझे झूठे मुकदमों से मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम हिंदू होना चाहते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आखिर एक मुस्लिम मियां बीवी अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम से हिंदू क्यों बनना चाहते हैं? मुरादाबाद के MIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुबैद और उनकी बीवी समीना प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी आपसी जो है पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद है। 1 करोड़ रुपए के ये घर का विवाद चल रहा है और इंसाफ ना मिलने की वजह से अब ये दोनों मियां बीवी अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने को कह रहे हैं। मोहम्मद रुबैद ने बताया कि उनके बहनोई परवेज उन्हें मकान से निकालना चाहते हैं और इसके लिए मोहम्मद रुबैद और उनकी बीवी ने कई जगह पर शिकायत भी कराई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोहम्मद रुबैद पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी इस बीवी को छोड़ दे, उनकी दूसरी शादी करा दी जाएगी। मोहम्मद रुबैद मगर इसके लिए राजी नहीं है। आपको सुनाते हैं कि मोहम्मद रुबैद और उनकी बीवी ने क्या कुछ आरोप लगाया है। जब तक ये अपने घर से पैसे लेकर आ रही थी जब तक सब सही था। आज इनके वालिद का इंतकाल हो गया इसी वजह से, इन लोगों के टॉर्चर करने की वजह से। हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, और ये हकीकत भी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म जाती हम पे कर रहे हैं। वकीलों का दबाव बनाते हैं। मैं जहाँ थाने में जाती हूँ गुहार के लिए, वकीलों की वो पूरी फौज लेके पहुंच जाते हैं और वहां पे सबका दबाव बनाते हैं। मेरी कोई पुलिस वाले ने सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। मैं SSP के पास गई, DIG के सर के पास गई, हर थाने में जाके हूँ। कटघर थाना, महिला थाना, कौन सा थाना है जहां पे मैं नहीं गई हूँ? कितनी एप्लीकेशन है, मैं 100 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, कहीं पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए आखिर ऐसा कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं? मेरी नंदो ने घर पे कब्जा कर रखा है, मेरे सास के इंतकाल के बाद मेरे नंदोइयों ने कर रखा है। मेरे ससुर को लालच देती दूसरी शादी करा देंगे, वो दूसरी शादी के लालच में पागल हुए पड़े हैं। वो चाह रहे हैं बस शादी हो जाए किसी तरह, ये हम छोड़ के चले जाएं घर बार, और ये चाहते हैं कि मुझे ये तलाक दे दो, इनकी दूसरी शादी करा दें। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का। वही अब आपको दूसरा पक्ष जो मोहम्मद रुबैद के पिता है मोहम्मद साबिर हुसैन, उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है वो भी सुनिए। मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी धर्म अख्तियार कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर इन्हें मतलब मेरी घर वाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयत नामा रजिस्टर्ड आग नामा वो मतलब वसीयत कर गया अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया। जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मालिक, वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया प्रॉपर्टी का। 120 गज मकान है ये, 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा, मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ ये बात की बात। तो सुना आपने, इस तरह की प्रॉपर्टी विवाद में जो पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद है इसमें अब मोहम्मद रुबैद अपनी बीवी के साथ इंसाफ न मिलने की वजह से हिंदू धर्म में जाने के लिए तैयार हैं। और मोहम्मद रुबैद का साफ कहना है कि इसमें उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ उन्हें जरूर समर्थन करेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।